अयोध्या यात्रा के आखिरी पड़ाव में हम वहां पहुंचे जहां राम गाथा का समापन हुआ, गुप्तार घाट। गुप्तार घाट में एक अलग शांति महसूस होती है। कहा जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक शासन करने के बाद राजा राम ने गुप्तार घाट से परमधाम की यात्रा की थी। जब श्री राम सत्याग कर परमलोक के लिए निकले तो उनके साथ पूरी अयोध्या नगरी, पशु पक्षी सब शामिल थे। श्री राम के अयोध्या से जाने के बाद पूरी नगरी उजड़ सी गई थी। शायद इसीलिए गुप्तार घाट का सन्नाटा कानों को चुभता है, यहां नीरसता महसूस होती है। हम अभी गुप्तार घाट में मौजूद हैं, जो अयोध्या के पंचकोटी परिक्रमा से लगभग 5-5.5 किलोमीटर दूर है। ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या में अब राजपाट समाप्त कर वहां से परमधाम के लिए निकले तो उन्होंने गुप्त घाट को ही चुना और यहीं से अपने विमान में बैठकर परमधाम के लिए चले गए। गुप्त घाट को लेकर, गुप्तार घाट को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां हैं, जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे और पुजारियों से जानेंगे कि यहाँ का असली इतिहास क्या है। त्रेता में उनका जब अवतार हुआ था उसके बाद राम जी अयोध्या में 11,000 वर्ष तक राज किए थे। जब परमधाम को जाना हुआ था तो सबसे पहले माता सीता चली गई थी, उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण का परित्याग कर दी, लक्ष्मण जी चले गए थे, प्रभु की भी इच्छा हुआ धाम को जाने का। उसके बाद जब सुने कि भगवान के जितने भक्त थे, जितने उनके मित्र या सखा थे, पूरे अयोध्या में सब लोग आ गए थे। भगवान राम अपने अपने भाइयों को, पुत्रों को, सभी को राज्याभिषेक हो गया था, सभी को कर दिए थे। उसके बाद जब यहाँ पर आए, उसके बाद सब अयोध्या में सब पहुँचे तो सब पूरा अयोध्यावासी भगवान से कहे कि प्रभु हम भी आपके साथ में चलेंगे। भगवान ने उसके बाद से कहा कि प्रभु आप नहीं हम सबको ले जाएंगे तो हम सब यहाँ रहकर कहा क्या करेंगे, हम भी आप सबके सभी के साथ में जाएंगे। तो भगवान बताए कि वहीं से अयोध्या से ही भगवान राम हनुमान जी को, जामुन जी को, विभीषण जो है, दुविधा, मयंत, इन सभी को जो है रोक दिए थे। उसके बाद जब अयोध्या से वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी से सबसे पहले अग्निहोत्र आगे आगे चले, उसके बाद जो है वाजपेयी यज्ञ जो है अग्नि, ये आगे आगे राम जी से आगे चले। राम जी उसके बाद अपना राजशाही वस्त्र त्यागा, रेशमी वस्त्र पहने, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हाथ में दो कुश लिए, उसके बाद जो है किसी से न बोलते हुए जब राम जी चलने लगे तो उनके आगे जो है संहारक शक्तियाँ राम जी के आगे चलने लगी। उसके बाद राम जी के बाम भाग में जो है भू देवी जो है विराजमान हुई, बाम भाग दाहिने भाग में जो है लज्जा देवी विराजमान हुई। उसके बाद राम जी के पीछे धनुष बाण देव रूप में, फिर उनके पीछे चार वेद जो है देव रूप में, उसके बाद पूरा अयोध्यावासी निकले। फिर भरत शत्रुघ्न जी जो है अपने राजमहल से रानी के साथ वो भी निकले। अयोध्या से जब राम जी निकले आधा कोस दक्षिण दिशा को गए हैं, उसके बाद पश्चिम दिशा मुख करके जब यहाँ पर जब राम जी पहुँचे तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ करोड़ों विमानों के साथ यहाँ पहले ही उपस्थित थे। भगवान के पहुँचने पर सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता हुई, सभी भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा किए और भगवान की स्तुति किए। यहाँ जो है तीन प्रकार की वायु बहने लगी। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान राम जी जो है गोपतार घाट पर जब आए तो यहाँ पर जो है भगवान राम, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि एक उत्तम स्थान पर आए भगवान राम। जब यहाँ पर आए तो कमर भर सब जी जल में खड़े थे। उसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप चाहे जिस स्वरूप में प्रवेश करें, आप जो है वैष्णव स्वरूप में आप प्रवेश करना चाहें तो आप वैष्णव प्रवेश स्वरूप में ही प्रवेश करें। तो राम जी शाश्वत वैष्णव स्वरूप में प्रवेश करेंगे। उसके बाद भरत शत्रुघ्न को भी अपने में ही समा लिया क्योंकि भगवान विष्णु के ही अंश थे। उसके बाद जो है राम जी जो है ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्मा जी, ये जितने अयोध्यावासी आए हैं ये अपना राजपाट सुख वैभव छोड़कर हम मेरे पीछे पीछे आए हैं, इनको लिए बिना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, आप इनको कहीं रहने का स्थान दें। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जो जो देवताओं के अंश से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो अपने अपने अंश में विलीन हो जाएंगे। उसके बाद जो है और सभी को जो हमारे ब्रह्मलोक के ऊपर जो एक संतानक लोक है उस लोक में जो हम सब अयोध्यावासियों को जो है रहने का स्थान देंगे। उसके बाद जो है सभी अयोध्यावासी
राम जी का चिंतन करते हुए उनका नाम लेते हुए सभी लोग ये सरयू में डुबकी लगाए, दिव्य शरीर त्यागा, दिव्य शरीर हुआ। उसके बाद विमान में बैठाए, परम धाम को लेकर राम जी यहीं से चले गए थे। गुप्तार घाट का नाता सिर्फ प्रभु श्री राम से ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु से भी है। यहीं पर विष्णु जी ने सदियों तक तप किया था और उनके चरणों की छाप आज भी यहां मौजूद है। गुप्तार घाट के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमने एक महंत से भी भेंट की, जिन्होंने हमें यहाँ के महत्व और इतिहास के बारे में बताया। इस मंदिर का गुप्तहरी चक्रहरी जी का जो यहाँ का महात्म है, इसका जो है स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। इसका सतयुग का यह स्थान है, राम जी के जन्म से पहले का है। यहाँ पर जो है एक बार जो है देवासुर संग्राम हुआ था, उस युद्ध में जो है सभी देवता जो हार गए थे, उनका राजपाट स्वर्ग जो है सभी राक्षस ले लिए। उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद सभी देवता आपस में विचार किए, हमें यह जो हमको राजपाट स्वर्गाद कैसे मिलेगा। इसके लिए सभी देवता जो है अपने गुरु बृहस्पति जी को भी साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछे कि हे प्रभु, आप ही हमें बताए कि हमें जो स्वर्गाद हमारा राजपाट कैसे मिलेगा, इसका आप उपाय बताइए। ब्रह्मा जी जो है इसका उपाय बताने से इनकार कर दिए कि इसका उपाय जो है हम नहीं बता सकते हैं। तो सभी देवता ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास गए, उनसे पूछे, वो भी इसका उपाय नहीं बता पाए। शंकर जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता जो है भगवान विष्णु जी के पास गए। जब वहाँ पर गए तो भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में थे। उसके बाद जो है सभी देवता भगवान की स्तुति किए, तब भगवान विष्णु अपने नेत्र खोले। भगवान विष्णु ने कहा कि अपने योग से मैं जान गया हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए, क्योंकि आप सबका जो है राजपाट चला गया है, आप सब जो है बलहीन हो गए हैं, तेजहीन हो गए हैं, इसलिए आप सबका राजपाट चला गया है। राज्य पाने के लिए आप सबको जो है बल की वृद्धि करना पड़ेगा, तेज की वृद्धि करना पड़ेगा। इसके लिए आप सब जो है मृत्युलोक अयोध्या क्षेत्र में आप सब जो है सभी देवता गुप्त रूप से तप करें। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, मैं भी गुप्त रूप से तपस्या करूँगा, मेरे तप के प्रभाव से जो आप सभी को बल मिलेगा, तभी आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु जो है ऐसा उपाय बताकर जब वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु जो है जब अंतर्ध्यान हुए, तब यहाँ पर भगवान विष्णु जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु जो है यहाँ पर जो है गुप्त रूप से जो है तपस्या करने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु तप करने से पूर्व उन्होंने सुदर्शन चक्र को एक उनके हाथ से जो है छूट गया था, तो जो ऊपर जो है चक्र उनका छूटा था, इसलिए वो चक्रहरी जी ऊपर हैं मंदिर के ऊपर प्रांगण में। उसके बाद यहाँ पर तप करते करते भगवान विष्णु का जब बहुत दिन हुआ, तो भगवान के प्रभाव से सभी देवताओं को अपार बल हुआ, अपार तेज की वृद्धि हुआ। पुनः जब युद्ध किए तो युद्ध में सभी देवताओं को विजय प्राप्त हुआ, अपना स्वर्गाद राजपाट सभी देवता पा गए। उसके बाद जो है सभी देवता आपस में विचार किए, चलो भगवान का धन्यवाद दें क्योंकि इनके बताए हुए हमें जो है राजपाट मिला है। उसके बाद सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी को भी साथ में लेकर जब यहाँ पर आए, तो भगवान विष्णु गुप्त रूप से ही तप कर रहे थे। भगवान विष्णु की स्तुति किए, तब भगवान विष्णु जो है प्रकट हुए। उसके बाद सभी देवता भगवान से कहे कि प्रभु, आपके बताए हुए हमें जो है राजपाट मिल गया है। इस पर भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि जिस जगह मेरा सुदर्शन चक्र हाथ से छूट कर जो गिर गया था, इसलिए वह चक्रहरी जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमने जो यहाँ गुप्त रूप से जो तपस्या किया है, यह गुप्तहरी जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी सरयू में स्नान करके गुप्तहरी चक्रहरी जी का जो भी पूजा पाठ करेगा, उसको मनवांछित फल मिलेगा। उसके बाद भगवान सभी देवता भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु आप हम सबके रक्षा के लिए आप इस जगह पर हमेशा जो है यहाँ निवास करें। भगवान विष्णु कहा तथा, तभी मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ गुप्त रूप से यहाँ पर निवास करते हैं। गुप्तार घाट से भले ही श्री राम परम लोक के लिए निकले और उनके साथ पूरी नगरी विलीन हो गई, मगर ना तो कभी श्री राम ने अयोध्या को छोड़ा और ना ही अयोध्या ने अपने भगवान को भुलाया। रग रग में राम की अयोध्या यात्रा यहीं समाप्त हुई, लेकिन राम कथा तो अमर है, अजर है, अनंत है। हम फिर मिलेंगे रग रग में राम के चित्रकूट प्रवास पर, जहां राम को रामत्व मिला।